स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स होम। एनिमल्स होम मतलब क्या होता है? जानवरों के घर। हमारे भी घर होते हैं, हम भी हमारे घरों में रहते हैं। इसी तरह से जो जानवर होते हैं यानी कि एनिमल्स होते हैं, एनिमल भी अपने अपने घरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अपने अपने घरों में, ठीक है। तो एनिमल्स होम जानवरों का घर, जहां पर जानवर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ एनिमल्स होम, ठीक है। नेम ऑफ एनिमल्स होम, सबसे पहला नाम अपना है हैन। जो हैन होती है, हैन यानी मुर्गी। मुर्गी का जो घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोप। सी डबल ओ पी, कोप। कोप माने जो मुर्गी के रहने का होता है उसे कोप बोला जाता है। मुर्गी का घर इस टाइप से बना हुआ है, जाली की तरह बना हुआ है, जाली टाइप, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डॉग, डी ओ जी डॉग। डॉग, डॉग कहां पर रहता है? केनल, के ई डबल एल ई एल, केनल। केनल में होता है जो डॉग, यानी कुत्ता, कुत्ते के रहने का घर। डॉग उसको डॉग हाउस, डॉग्स हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद लॉयर, लॉयर मीन्स शेर होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है। लॉयर मीन्स क्या होता है? शेर। शेर कहाँ पर रहता है? तो डेन, डी ई एन, डेन। डेन मीन्स होता है गुफा, ठीक है। लॉयर, लॉयर का घर मीन्स डेन, डेन यानी गुफा। इस तरह से बना हुआ रहता है, एक बड़ा होल होता है उसमें रहता है लॉयर। लॉयर मीन्स होता है, लॉयर मीन्स शेर के रहने की जगह जिसे बोला जाता है डेन, डी ई एन, डेन मीन्स गुफा, ठीक है। इसके बाद बर्ड, बी आई आर डी, बर्ड। बर्ड यानी पक्षी होता है, पता है आप लोगों को, क्या होता है? पक्षी, ओके। पक्षी कहां पर रहते हैं? नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसला, ठीक है। पक्षी पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर छोटा सा घोंसला बना के रहते हैं जिसे हम नेस्ट बोलते हैं, नेस्ट, सॉरी एन ई एस टी, नेस्ट। नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, जो इस तरह का बना हुआ था, पेड़ के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, ओके। अगला हमारा है काव, सी ओ डब्ल्यू, काव। काव मीन्स होता है गाय, गाय के रहने की जगह, यानी कि गाय का जो घर होता है उसे क्या बोला जाता है? तो शेड, एस एच ई डी, शेड। शेड यानी जो गाय, जहां पर हम गाय बोलते हैं, छपरा बोलते हैं, छप्पर बोलते हैं, ठीक है, छपरा, ओके। उसके बाद बी, बी डबल ई, बी, बी यानी मधुमक्खी। क्या बोलते हैं उसे? मधुमक्खी। मधुमक्खी कहां रहती है? तो हाई, एच आई बी ई, हाई। हाई बोले मधुमक्खी का घर या फिर मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, छत्ता बोलते हैं उसमें, हाई। इस तरह का होता है, ठीक है। मैंने डायग्राम बनाया उसमें देखिए आप, ठीक है। उसके बाद है रेट, आर ए टी रेट। रेट यानी क्या होता है? चूहा। रेट मीन्स क्या होता है? चूहा, ठीक। चूहा, चूहा कहाँ पर रहता है? होल में, ठीक है। कहीं पर भी होल बना के, बिल बना के रहता है चूहा, ठीक है। तो जिस तरह से ये दीवार बनी हुई, दीवार में किस तरह से होल करा हुआ है, उसके होल में रहता है चूहा, ठीक है। रेट, आर टी रेट, रेट मीन्स होता है चूहा। तो चूहा कहाँ पर रहता है? होल में। कहाँ? होल, एच ओ एल ई, होल। होल मीन्स छेद, चूहे को जाने के लिए बड़ी जगह नहीं चाहिए, कहीं पर भी घुस जाता है, ठीक है। हॉर्स, एच ओ आर एस ई, हॉर्स। हॉर्स का हॉर्स जहां पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? स्टेबल। क्या बोलते हैं? स्टेबल। स्टेबल मीन्स दिस का इस टाइप का होता है, ठीक है। बड़ा सा गेट टाइप बना हुआ रहता है, एक साइड से दीवार बनी रहती है और दो दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक है। स्टेबल, स्टेबल मीन्स घोड़े के रहने की जगह, घोड़े का घर, ठीक है। आया आप लोगों को समझ में? एक बार नाउ रीड वन बाय वन, ओके। हैन को दिस टाइप, डॉग, केनल, लॉयर, डेन, बर्ड, नेक्स्ट काउ, शेड, बी हाई, रेड, हॉल, हॉर्स, स्टेबल। हॉर्स स्टेबल, एस टी ए बी एल ई, स्टेबल। स्टेबल मतलब होता है अस्तबल बोला जाता है, अस्तबल से स्टेबल, ठीक है। आया आपको समझ में? एनिमल्स होम, एनिमल्स होम मीन्स होता है जानवरों के रहने की जगह या फिर जानवरों के घर, ठीक है। जिस तरह से इंसानों के घर होते हैं उसी तरह से एनिमल के भी घर होते हैं। आया समझ में आप लोगों को? ओके, ठीक है। थैंक यू।